पिटाई के दौर के अंदर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कितनी हुई वो भी आप नोट करें। और आपने एक बात की लीडर वाली, लीडर की डेफिनेशन क्या है, लीडर की तारीफ क्या है? लीडर वो होता है जो कौम के लिए लड़ता है, जो कौम के लिए खून देता है। लीडर लीडर मैं बताता हूँ, मैं किसी से नहीं डरता, किसी के बाप से भी नहीं डरता। मुझे किसी ने पकड़ना है पकड़ ले, मुझे किसी ने मारना है मार दे। अवाम ने खौफ के बुत तोड़ चुके हैं, हम तोड़ चुके हैं। हमारा लीडर बैठा है जेल के अंदर, वो लीडर है, अवाम के लिए गोलियां खाई हैं उसने, इधर बैठा है, कोई नहीं मरा, नहीं मरा, बैठे है ना। ये कौन सा लीडर है? ये मैंडेट चोर है, बैठे अवाम के सामने है ना। क्यों लोगों के वोट चोरी किए हैं, हर किसी को पता किसने वोट चोरी करना है। जितने भी है ना, एक सेकंड, ये मैंडेट चोर है, मैं बताता हूँ। लेकिन हर किसी को पता है, पूरी दुनिया के अंदर इंटरनेशनल मीडिया ने भी ये बातें उठाई हैं, आपको भी पता है। सच हमेशा कोई नहीं दिखाता, इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है ये मैंडेट चोर है, इन्होंने चोरी की है सारी चोरी। मरियम नवाज के पास कौन सी, यही मरियम नवाज, मैं लाहौर के अंदर मौजूद था, लाहौर के अंदर पुलिस आई, पुलिस ने क्या क्या डाले हैं, यहाँ तक वो उसकी जीती भी नहीं है, उसको ज़बरदस्ती जितवाया जा रहा है। क्यों जितवाया जा रहा है, वजह भाई जीती है वो अवामी खिदमत के लिए, अवामी खिदमत, अवाम जहाँ पे खड़े, किसी से पूछा कौन दिया मरियम नवाज को, कौन किसने वोट दिया, दिया होगा लोगों ने। यार मेरी बात सुनो ना, एक इनके सारे करप्शन के केसेस, इमरान खान ने पहले बात की थी ना, ये वो जो पकौड़ा बैठा है इतना बैर डरा बैठा है ना, वो कहता है जब इमरान खान को पहले जेल में डालो, जब इमरान खान जेल में होगा ना फिर ये आएगा। वाकई उसकी बात सच साबित हुई, फिर उसने कहा इसके करप्शन के कैसे खत्म किए जाएंगे, किए गए, उनको ज़बरदस्ती की हुकूमत दी जाएगी, दी गई है, ये बातें सच साबित हुई हैं। अब इंशाल्लाह इनकलाब आएगा, तुर्की बांग्लादेश तुर्की का आएगा, इंशाल्लाह श्रीलंका को दुनिया भूल जाएगी, तुर्की की तारीख को भूल जाएगी, जो इनकलाब आने जा रहा है। शरीफ इनकलाब ला रहा है यार, ये कौन सा इनकलाब ला रहा है, मेरी बात सुनो, ये चोर है, चोर किस चीज़ का इनकलाब ला रहा है, शरीफ कैसे चोर है, चोर है भाई किस चीज का चोर, एक है ठेले के साहब भी है शरीफ खानदान ने, तुम्हें तरस नहीं आता शरीफ खानदान पे, शरीफ खानदान की हिस्ट्री निकालो। आज से पहले इनका बाप जो था वो कहता है, शहबाज शरीफ कहता है मेरा बाप किसान था, नवाज शरीफ कहता है मेरा बाप वो करोड़पति था, वो कहाँ से भर गया इतने लंदन के अंदर इनके फ्लैट जायदाद, वो कहाँ से आई भाई, इसका कौन जवाब देगा, देना जवाब। गलती इंसान से नहीं होती, मुंह से निकल गया स्लिप ऑफ टंग, ये गलतियां इंसान जो इतने अवाम का पैसा, इसको किसने किसकी बाप की जरूरत, अवाम का पैसा खाए, मुझे बताए ना कौन सा खाए अवाम का पैसा, ये लगा के ये क्या ये लगा, मैं इसका भी जवाब देता हूँ, आप पे लगा रहा ये अरबों खरबों किस, इसका पता है आपको, हर महीने पंजाब गवर्नमेंट 92 लाख रुपए का ये खसारे में एरोन ट्रेन चल रही है, पता है आपको इस चीज का, यह तो लगा हुआ पता है चाइना से, ये 22 अरब रुपया उधारा मंगवा के इन्होंने एरोन ट्रेन बनवाई है, ये इन्होंने इंडस्ट्रियल लगवाते हैं, अवाम का पैसा बनता है, अवाम को रोजगार मिलता है, इससे अवाम को क्या रोजगार। मशरीफ रहमतुल्लाह ने इंडस्ट्री नहीं लगाई थी, कौन सी इंडस्ट्री लगाई, इत्तेफाक इंडस्ट्री लगा के मुल्कों कौम की खिदमत नहीं की थी, कौन सी खिदमत, उसमें अपना पैसा बनाया ना, अपना पैसा, ये सॉरेन ट्रेन का अपना पैसा बनाया ना। अब एक बात सुनो, एक सेकंड, ये कौम तो हम ही भटक गए, ये अपना पैसा बनाया मियां मोहम्मद शरीफ रहमतुल्लाह ने, उसके बाद मियां शहबाज दिया, मियां नवाज दिया, वो मरहूम अब्बास शरीफ दिया, फिर हमजा शहबाज दिया, अपनी मरियम दी, अपना पैसा लगा के कौम की खिदमत में अपने बच्चे मामूर करते, ना शुक्री कौम है यार आप लोग, यार ना शुक्री वाली बात नहीं है, अगर वो लीडर हैं नवाज शरीफ, अब क्यों उसकी हालत खराब नहीं होती ना, बैठे हम नवाज शरीफ के भी साथ खड़े होने के तैयार हैं, अगर वो हक के लिए खड़ा होता है, डटे मैदान, लीडर वो होता है जो मैदान में खड़ता है, कट जाता है, हटता नहीं है। हजरत हुसैन का वाक्य याद करो, 72 तन शहीद करवा दिया लेकिन मैदान से नहीं हटा। अब देखो, अब लोग कहते हैं ना इमरान खान था, मैं एक मसला उठाना चाहता हूँ फलस्तीन के ऊपर, जो भी उठाता है कोई नहीं उठाने था, अब फलस्तीन के ऊपर पहले जंग हुई, जब जंग हुई ना इमरान खान था, जब शाह महमूद कुरैशी फॉरेन मिनिस्टर थे, उसने भेजा, तीन दिन के अंदर जंग बंद हुई। अब इनके अंदर इतनी शर्म नहीं है, किसी ने स्टेटमेंट तक नहीं दी कि हम फलस्तीन के साथ खड़े होते हैं, ना हमारे ने दी है, ने दी है, किस चीज़ है भाई, हमारे पैसे हैं, नवाज शरीफ ने आके फलस्तीन का झंडा नहीं लहराया था, काबिल झंडा लहराने से कौन सी कौम शाही वो हो जाती है, आज़ाद हो जाती है। बताएं आपको, जब एटम बम बना था सबसे पहले सबसे ज़्यादा खुशी किसने मनाई थी, फलस्तीनियों ने मनाई थी, आज वो बेरोजगार हो गए, मर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं। सिराज उल हक ने कहा कि सेनेटर मुश्ताक ने कहा हमें सिर्फ हुकूमत रास्ता दे, हम फलस्तीनियों को निकाल के पाकिस्तान के अंदर इलाज करना चाहते हैं, लेकिन इस गवर्नमेंट को बेशरम हुकूमत को इतनी शर्म नहीं है कि हम अपने भाइयों का साथ दें। हमारे मुल्क का निज़ाम पता क्या, ना ड्राइवर की फुर्ती ना इंजन का कमाल, चली जा रही है खुदा के सहारे, कोई बंदा नहीं है ऐसा, कोई बंदा ठीक नहीं है, चाहे वो पीपल पार्टी है, चाहे वो नून लीग है, चाहे वो पीटीआई है, कोई भी ठीक नहीं, हम खुद ख़राब हैं, हम खुद ठीक हो गए अगले भी ठीक हो जाएंगे, हम किस लिए खराब, मेरे बेटे के घुटने में मसला, मैं उसे पूरा पाकिस्तान घुमा बैठा हूँ, इत्तेफाक हॉस्पिटल में लेके गया हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं शौकत खान में लेके गया हूँ, शौकत खान में लेके गया, उसने कहा 60,000 रुपया लगेगा आपका एक सिटी स्कैन होगा, मेरे पास 60,000 रुपये नहीं था,
ये कैसे हुक्मरान है? वो कहते हैं जी शौकत खान में हमने बनाया, उधर इलाज फ्री है गरीब आदमी का। ठीक है, फ्री तो है, मैं लेके गया हूँ, किसी ने बात नहीं सुनी, मुझे अंदर ही एंटर नहीं होना। आप जो प्रोसीजर आपने वो प्रोसीजर फॉलो किया था? बिल्कुल फॉलो किया था, सारा कुछ किया था, मुझे किसी ने अंदर एंट्री नहीं होने दिया। कैसे हालात है मेरे मुल्क के, क्या करें हम? मैंने पूरा पाकिस्तान घुमाया अपने बेटे को। बस बात यही है, ये लोग जब आते हैं ना, बस हम आ गए, ठीक है चले जाइए, चलो ठीक है। नहीं, देखिए मेरी बात सुन, अब नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और जरदारी साहब के आने से, आपकी मरियम के आने से आपको हौसला हुआ इस दफा? हौसला किस चीज से होगा? हौसला उस चीज से होगा, हम भी गरीबों को रिलीफ मिलेगा तो फिर हौसला होगा ना। रमजान पैकेज आया तो है, रमजान पैकेज आया, किसको मिला है? ये शहबाज शरीफ कहते हैं मैं जरदारी को रोड के, लाहौर के रोड के ऊपर घसीटूंगा, जरदारी ने कहा मैं नवाज शरीफ को घसीटूंगा। अब ये सारे इकट्ठे मिल गए, ये कौन सी हुकूमत है? ये मुझे पता है कौन सी हुकूमत है, ये सारे चोर इकट्ठे। भाई वो घसीटने की बात आवाम की हुई थी, उनकी आपस में नहीं, चोर आवाम की, चोर लोग इकट्ठे बैठ के, ये कोई हुकूमत नहीं है, ये कोई मैंडेट नहीं है। खुदा की कसम से वो अगर आप खुद उनसे जाके पूछे, वो आप देखना ख्वाजा आसिफ 70,000 की लीड से हरा हुआ है, वो असेंबली के अंदर बैठा है, किसने बिठाया उसको? हमारे मुल्क के ऊपर कितना कर्जा आप देखे ना, वो जो लोग वो खुद मान रहे हैं कि अब देखिए इतने लोगों ने मेरे हलके के अंदर मेरे एक, मैं तो से चीज से बिलोंग करता हूँ, वहाँ से एक बंदा है वो नूनी की सीट पे ऊपर उठा, उसको जबरदस्ती चिताया, उसने खुद बयान दिया कि ये सीट मैं नहीं लेना चाहता, पीटीआई का बंदा जीत चुका है ओरिजिनल तरीके से, लेकिन मैं आवाम का हक नहीं खाना चाहता, उसका वोट पड़े हैं लिहाजा ये सीट उसी को दी जाए। आवाम खुद जो कैंडिडेट जो उठा हुआ है वो खुद कह रहे हैं कि यार ये मैं सीट नहीं चाहता, जबरदस्ती इनको दी जा रही है हुकूमत। ये किस चीज़ की हुकूमत यार? पीटीआई की हुकूमत बनती है, आवाम ने खौफ के बुत तोड़ के पीटीआई को दो तीन नहीं तीन तरीक अक्सियत दी है। खुदा की कसम वो लीडर बैठे है, लोग इतने उससे डरे हुए, ये हुकूमत जो है ना इम्पोर्टेंट हुकूमत इतनी डरी हुई है, वो जेल के अंदर बैठ के पूरी आवाम के पूरे पाकिस्तान के फैसले कर रहा है, ये लोग डरे हुए हैं, उसको निकाल नहीं रहे। नवाज शरीफ और आपी मरियम किसी से डरते नहीं है? और डरते हैं, उसको निकाल के देखें, ये यहाँ पे नजर है ना, उसको माला से बाहर यूं तो देना, इमरान खान को निकाल के देखें, नवाज शरीफ यहाँ पे कसम से नजर आ जाए ना, यहाँ पे नजर आ जाए। जो मरियम नवाज है ना, मैं उसको खुला चैलेंज करता हूँ, अगर वो अपनी मियाँ शरीफ की पोती है ना, वो आवाम में निकल के दिखाए, अगर उनको न पड़ी तो मुझे मेरी ये उतार दीजिएगा, मैं गुनाहगार जरूर। इनको इतने है ना जो इन्होंने मुल्क के साथ किया, 70 से 75 साल हो गए हैं, कर्जा हमने लिया, कर्जा तो इन्होंने लिया ना, हम जलील हो रहे हैं टैक्स पे, हर चीज पे टैक्स दे रहे हैं, पैलेस करवाते हैं तब भी, पेट्रोल डलवाने जाते हैं तब भी उनकी बातें सुनते हैं, टैक्स हम दे रहे हैं, हर चीज पे हम टैक्स दे रहे हैं, को भी हम दे रहे हैं, हर बंदे को जितनी भी जो भी अदारे हैं सबको दे रहे हैं, सबको हम दे रहे हैं, ठीक है। जलील कौन हो रहा है? हम हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? मरियम नवाज आवाम च आएगी भी नहीं आएगी? गल सुन लो, मैं चैलेंज रह रहे हैं भाई, नहीं आएगी आवाम च आएगी भी, ते तुसी एथो उत्तो थले तक फुल्लां दे हार सुट्टोगे, गाने ना मैं फुल्लां दी सेज सजेवा जे तू कर तू आवे कोई हो जे गाना, तुसी ओ गाने भी लोगे ते आप ही मरियम नु प्रोटोकॉल भी दवोगे, ओ आवामी लीडर है। ओ कहंदी सी मेरी डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब कहती सी मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो ये जो प्रॉपर्टी निकली है इवन क्या कहते हैं जो लंदन में प्रॉपर्टी निकली है वो कोई जादूगर थी जो प्रॉपर्टी की मालिक बन गई है। एक भाई कह रहा डब्बू कि मेरी तो मशीरा की ये प्रॉपर्टी है, और बाद में वही कह रहे जी ये हमारी प्रॉपर्टी नहीं है, क्या हम पागल हैं यार मुंह से गलत निकला थी नहीं जब आवाम की खिदमत का गम दिल में लिए, नसल दर नसल आप खिदमत करोगे तो समटे मुंह से गलत बातें निकला थी। 400 अरब रुपए की बनी है, 400 अरब रुपए की बनी है, अगर यही 400 अरब रुपया पूरे लाहौर में एक एक घर को दिया होता ना, एक एक गाड़ी दी होती उसकी किस्तों में दी होती तो उनको फायदा था, पूरे लाहौर में एक एक गाड़ी मिलनी थी 400 अरब रुपए की।